पहले मैं ट्रेन मूवी एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक रेसलिंग टीम को देखते हैं जो न्यूयॉर्क आई थी अपनी रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए। उनमें से एक लड़का था जिसका नाम टॉड होता है और वो अपना पहला मैच जीत गया था। टॉड की फ्रेंड होती है एलेक्स जो कि मैच हार गई थी, इसीलिए एलेक्स सोचती है कि उसे रेसलिंग छोड़ देनी चाहिए। वहीं पर इनके कुछ फ्रेंड्स भी थे और इनका एक कोच भी था और साथ में कोच का असिस्टेंट भी। अब टॉड ने मैच में जिसे हराया होता है वो उसे पार्टी में इन्वाइट करता है, लेकिन टॉड जो कि उस पार्टी में जाना नहीं चाहता था लेकिन उसका मेल फ्रेंड पार्टी में जाने के लिए हाँ कर देता है। अब क्योंकि कल का मैच दूसरे सिटी में था इसीलिए इन्हें कल सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना था। इसके बाद वो लोग अपने होटल में चले जाते हैं। उनका कोच उन्हें समझाता है कि प्लीज 8 बजे सो जाना क्योंकि सुबह 7 बजे की ट्रेन है तो हमें यहाँ से 6:30 बजे निकलना होगा, लेकिन कोच की बातों को इग्नोर करके वो चारों फ्रेंड्स पार्टी के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कोच का असिस्टेंट उन्हें जाते हुए देख लेता है लेकिन वो कोच को कुछ नहीं बताएगा क्योंकि वो भी उनके साथ ही जा रहा था। इसके बाद वो सारे पार्टी में चले जाते हैं जहाँ काफी टाइम एंजॉय करने के बाद टॉड उन्हें कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, लेकिन तभी उसकी बहस हो जाती है उसी लड़के से जिसने उसे पार्टी में इनवाइट किया था और वहाँ पर उनकी लड़ाई होने लगती है और इस लड़ाई की वजह से वो काफी लेट हो गए थे। वो जानते थे कि ट्रेन मिस हो गई है इसीलिए वो जल्दी से स्टेशन पर पहुँचते हैं जहाँ पर कोच उनका वेट कर रहा था। बाकी टीम जा चुकी थी। कोच उन पर काफी गुस्सा होता है, खास तौर पर अपने असिस्टेंट पर। फिर वो कोच अगली ट्रेन के बारे में पता कर रहा था लेकिन वहाँ पर इंग्लिश कोई समझ नहीं पा रहा था। तभी उनके पास एक लेडी आती है जो कि एक डॉक्टर थी। वो बोलती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वो कहती है कि जिस ट्रेन में मैं जा रही हूँ वो आपके डेस्टिनेशन पर भी जाएगी और टिकट्स तो आपको ट्रेन में ही मिल जाएंगे। इसके बाद वो उसी ट्रेन तक पहुँच जाते हैं। फिर कोच ट्रेन के कंडक्टर से मिलता है जो अपने 2 वर्कर्स को उनके साथ भेजता है उनकी सीट्स दिखाने के लिए। वो वर्कर्स उनके पासपोर्ट मांगते हैं और वो भी अपने पासपोर्ट चुपचाप ही उन्हें दे देते हैं। यहाँ पर उन्होंने पासपोर्ट देकर बहुत बड़ी गलती की क्योंकि ट्रेन चलते ही वो उनके पासपोर्ट जला देते हैं। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है कुछ। इसके बाद एलेक्स की फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाती है जहाँ पर वो एक आदमी को देखकर काफी डर जाती है क्योंकि उसका आधा फेस जला हुआ था। उधर कोच के असिस्टेंट को एक आदमी दिखता है जिसकी खांसी में खून आ रहा था। अब वहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स आए थे वो सारे रिच थे। जब कोच खाना खा रहा था तब उसके पास वही लेडी आती है यानी वो डॉक्टर, तब वो दोनों बातें करने लगते हैं। अब कोच ने काफी ड्रिंक कर ली थी और वो काफी नशे में था इसीलिए वो डॉक्टर उसे कहीं ले जाती है, लेकिन तभी वो डॉक्टर उसे बेहोश कर देने वाला इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद हम कोच को एक रूम में देखते हैं जहाँ पर उसे टॉर्चर किया जा रहा था, उसकी चीर फाड़ की जा रही थी और ये रूम था टॉर्चर रूम। उधर वो चारों फ्रेंड्स ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। टॉड को डेयर मिलता है कि उसे ट्रेन की आखिरी हिस्से तक जाकर वापस आना है, वो भी कपड़ों के बगैर। तब टॉड करता भी ऐसे है और वो वहाँ से चला जाता है। चलते चलते टॉड एक ऐसे कोच में पहुँच जाता है जहाँ पर काफी अंधेरा था और जाहिर सी बात है ये बात काफी अजीब थी। इसके बाद उसे एक और कोच दिखता है जिसके अंदर वो जाने की कोशिश तो करता है लेकिन नहीं जा पाता क्योंकि वो अंदर से लॉक था, इसीलिए वो वहीं से वापस जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पाँव में एक कील चुभ जाती है, लेकिन जब वो वहाँ से निकलने वाला होता है तभी वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आ जाता है, यानी वो अजीब हरकत ही कर रहा था। अब टॉड को वो आदमी ठीक नहीं लगता इसीलिए वो उसे पीछे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी एक रॉड को टॉड के शोल्डर में घुसा देता है और उसे इंजर्ट कर देता है जिसकी वजह से टॉड बेहोश हो जाता है। काफी देर के बाद भी जब टॉड वापस नहीं आता तो एलेक्स उसे ढूंढने जाती है। उसे ढूंढते ढूंढते वो भी उस कोच तक पहुँच गई थी लेकिन टॉड उसे वहाँ पर नहीं मिलता और तभी वहाँ पर वो कंडक्टर आ जाता है और वो एलेक्स को कहता है कि जाकर सो जाओ, टॉड वापस आ जाएगा और अगर सुबह तक भी वो नहीं आया तो मैं ढूंढूंगा उसे। तब ये सुनकर एलेक्स वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम टॉड को भी उसे टॉर्चर रूम में लटका हुआ देखते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर उसके साथ कुछ कर रही थी। ऐसा करने के बाद वो डॉक्टर एक लेडी के पास जाती है जिसके बेटे की आईज खराब थी। सुबह तक भी जब टॉड वापस नहीं आता तो उसके फ्रेंड्स कोच के पास जाते हैं लेकिन कोच तो दरवाजा खोल ही नहीं रहा था, लेकिन तभी वो दरवाजा तोड़ देते हैं और देखते हैं कि कोच तो अंदर है ही नहीं और ना ही उसका कोई सामान है वहाँ। तब ये देखकर उन्हें परेशानी होने लगती है इसीलिए एलेक्स चिल्लाते हुए टॉड को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर कंडक्टर आ जाता है जो एलेक्स को कहता है कि तुम ऐसे मत चिल्लाओ, मैं तुम्हारी फ्रेंड को ढूंढ लूंगा और तुम्हारे चिल्लाने से बाकी पैसेंजर्स डर रहे हैं। तब वो लोग कंडक्टर की बात मान लेते हैं और चुपचाप एक जगह पर बैठ जाते हैं। इसके बाद टॉड का फ्रेंड एक लड़की के पीछे जाता है लेकिन तभी वो दोनों वर्कर्स उसे भी मारकर बेहोश कर देते हैं और उसे भी टॉर्चर रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर किसी आदमी को उसकी बॉडी के पार्ट्स दिखा रही थी। फिर वो तीनों फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें कंडक्टर पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो खुद ही टॉड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। एलेक्स की फीमेल फ्रेंड कंडक्टर के रूम में चली जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उनके पासपोर्ट्स तो जला दिए गए। फिर वो वहाँ पर चेक करने लगती है तो उसे कुछ और पासपोर्ट्स मिल जाते हैं। इतनी ही देर में कंडक्टर भी वहाँ पर
आ जाता है। तब एलेक्स की फ्रेंड समझ जाती है कि वो फंस गई है। तब कंडक्टर उसे भी पकड़ लेता है। फिर एलेक्स और वो असिस्टेंट एक कोच में पहुंच गए थे, लेकिन उनके सामने वाला कोच लॉक्ड था और उसके ऊपर खून लगा हुआ था। इसीलिए एलेक्स ट्रेन के बाहर से होते हुए उसमें जाती है और दरवाजा खोल देती है ताकि वो कोच का असिस्टेंट भी अंदर आ जाए। अब जहाँ पर वो आए थे वो असल में टॉर्चर रूम ही था। उन्हें टॉड मिल जाता है जिसकी आंखें निकाल ली गई थी, लेकिन वो अभी तक जिंदा था और वहीं पर टॉड का मेल फ्रेंड भी था। अब वो असिस्टेंट टॉड के फ्रेंड को ले जा रहा था, लेकिन एलेक्स उनके साथ नहीं जाती क्योंकि वो इस हालत में टॉड को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अब जाहिर है टॉड काफी तकलीफ में होता है और वो कह रहा होता है कि प्लीज मुझे मार दो, लेकिन एलेक्स ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन तभी टॉड का वो फ्रेंड उसे एक एक्स से मार देता है और उसे इस पेन से आजादी देता है। अब टॉड के फ्रेंड ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो जानता था कि वो कितनी तकलीफ में है। असल में उसके भी बॉडी पार्ट्स निकाल लिए गए थे। उधर वो अजीब आदमी एलेक्स की फ्रेंड को ट्रेन के ऊपर से ले जाकर उसी रूम में आ जाता है और यहाँ पर उन लोगों का आमना सामना होता है। अब टॉड का वो फ्रेंड तो वहीं पर ही गिर जाता है, लेकिन एलेक्स और वो कोच का असिस्टेंट उस फीमेल फ्रेंड को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जा पाते। अब एलेक्स कोच के असिस्टेंट को कहती है कि हमें ट्रेन से कूद जाना चाहिए, लेकिन वो असिस्टेंट उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो जानता था अगर वो ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे। तब उस आदमी से बचने के लिए वो एक कोच में जाकर खुद को वहाँ पर बंद कर लेते हैं, लेकिन तभी रास्ते में एक टनल आ जाती है। जितनी देर में टनल पार होती है वो अजीब आदमी उनके पास आ चुका था और वो कोच की उस असिस्टेंट को पकड़ लेता है और अब सिर्फ एलेक्स रह गई थी। अब एलेक्स जाती है पैसेंजर्स के पास, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता क्योंकि वो सभी जानते थे कि इस ट्रेन पर क्या होता है। फिर एलेक्स के वो चारों साथी उसी टॉर्चर रूम में थे। टॉड के फ्रेंड की चेस्ट को काट कर उसका दिल निकाल लिया जाता है। वहीं पर डॉक्टर की लैब थी जहाँ पर ये दिल काम आने वाला था। तब वो समझ जाते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। तब वो दो वर्कर्स एलेक्स से मिसबिहेव करने लगते हैं, लेकिन एलेक्स उनमें से एक को मार कर वहाँ से भाग जाती है और वो एक जगह पर जाकर छुप जाती है। और तभी ट्रेन मिलिट्री चेक पॉइंट पर रुकती है। तब एलेक्स समझ रही थी कि शायद अब वो बच जाएगी, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर तो सभी मिले हुए हैं। वो सोल्जर्स उनसे पैसे भी लेते हैं और साथ साथ वो एलेक्स की फीमेल फ्रेंड को भी ले जाते हैं। एलेक्स की फ्रेंड को वो उसकी आंखों के सामने ही लेकर जा रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी उसे बचाने के लिए। यहाँ पर एलेक्स के माइंड में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लाइक की कौन सी जगह है, कौन सा स्टेशन है जहाँ पर उसकी फ्रेंड को बेच दिया गया, और क्या वो अपने फ्रेंड से दोबारा मिल पाएगी या फिर ये लोग उसे जिंदा छोड़ेंगे, और जो ये लोग उसके साथ करने वाले हैं क्या वो सह पाएगी। एलेक्स यहाँ पर खुद को बड़ी मुश्किल से संभालती है क्योंकि एक एक करके उसके सारे करीबी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया और यहाँ पर वो ये भी नहीं जानती कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर वो अपना गेटअप बदल कर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। चलते चलते वो डॉक्टर की लैब तक पहुँच जाती है जहाँ पर और भी बहुत सारे पेशेंट थे, और तभी अचानक से वो ट्रेन जंगल के बिल्कुल बीचों बीच रुक जाती है। तब लैब में बहुत सारी नर्सेस आकर पेशेंट्स को वहाँ से ले जा रही थी। असल में जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक हॉस्पिटल था। तब एलेक्स भी ट्रेन से उतरकर उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स थे और सारे रिच थे, और वहीं पर उस कोच के असिस्टेंट को भी बांधा गया था। तब वो उस असिस्टेंट को आजाद करके वहाँ से ले जा रही थी, लेकिन तभी उसे वो लेडी और उसका बेटा दिखता है जिसकी आंखें खराब थी, और ये उनके साथ ट्रेन में भी थे, लेकिन उस बच्चे की आईज अब ठीक हो गई थी। और जब एलेक्स उस बच्चे को देखती है तो उसकी आईज पहचान लेती है कि ये किसकी आंखें हैं। असल में वो आंखें किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपने फ्रेंड टॉड की थी। और अब यहाँ पर मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा था इतनी देर से। असल में ट्रेन में जितने भी लोग थे, मैंने आपको बताया था कि वो सारे रिच थे जो कि अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए इस ट्रेन में आए थे। वहाँ पर किसी को नया दिल चाहिए था तो किसी को नई आंखें चाहिए थी, और ये सारी चीजें उन लोगों को बहुत कम रेट में दे दी उस डॉक्टर ने। असल में ये पैसेंजर्स को मार कर उनके ऑर्गन्स बेचते हैं, ना सिर्फ बेचते हैं बल्कि पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। तभी तो ये हॉस्पिटल जंगल के बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया, और यही वजह थी कि उनके पासपोर्ट्स भी जला दिए गए, और तो और उन्हें ट्रेन भी इसीलिए नहीं मिली क्योंकि सभी आपस में मिले हुए थे। अब रिकॉर्ड के हिसाब से ये लोग पहले हॉस्पिटल से निकले और उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ चले गए, यानी रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने कोई ट्रेन पकड़ी। फिर एलेक्स और कोच का असिस्टेंट वहाँ से निकल जाते हैं और वो जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। तब उस असिस्टेंट को वहाँ पर बिठा कर एलेक्स आगे चेक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी पीछे से वो वर्कर्स उस असिस्टेंट को मार डालते हैं। अब एलेक्स का कोई भी साथी नहीं बचा और वो पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी और उसे उन सबकी मौत का बदला लेना था। इसीलिए वो दोबारा से उस ट्रेन में चली जाती है जो अभी तक वहीं पर ही खड़ी हुई थी। इसके बाद ट्रेन चल पड़ती है। एलेक्स डिसाइड करती है कि वो इस पूरे ट्रेन को जला देगी ताकि इसमें काम करने वाले लोग भी मर जाए, और वो भी जो यहाँ पर काम करवाने आए थे। लेकिन उसका रास्ता रोकने के लिए वहाँ पर कंडक्टर आ जाता है और यहाँ पर उन दोनों की फाइट होती है, लेकिन लास्ट में एलेक्स उसे फांसी पर लटका कर मार देती है। एलेक्स ने अपने सारे करीबी खो दिए थे, इसीलिए उसे कोई डर नहीं था। अब या तो वो बदला लेगी या मर जाएगी। वो
हर जगह पेट्रोल डालकर आग लगाने ही वाली थी कि तभी वो डॉक्टर वहाँ पर आकर उसे रोकती है। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत सारी मासूम लोग मारे जाएंगे। तब एलेक्स उससे पूछती है कि मेरे दोस्त मासूम नहीं थे क्या। एलेक्स उसकी कोई भी बात सुने बगैर आग लगा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और डॉक्टर भी जल जाती है। फिर देखते ही देखते पूरी ट्रेन में आग लग जाती है और अब वो ट्रेन जलते जलते ही आगे बढ़ रही थी। तब एलेक्स अपनी कोच को ट्रेन से अलग कर देती है। तभी वो देखती है कि वो अजीब आदमी भी जलकर नीचे गिर गया है, लेकिन जब वो उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि ये वो आदमी नहीं है और तभी वो आदमी पीछे से उस पर अटैक कर देता है। फिर कुछ फाइट के बाद एलेक्स उसे भी मारने में कामयाब हो जाती है। अब इस तरह से उसने सबको मारकर अपने साथियों का बदला ले लिया। इसके बाद हमें दोबारा से एलेक्स दिखाई जाती है, जिसने रेसलिंग नहीं छोड़ी थी बल्कि वो टॉड के ड्रीम को आगे बढ़ा रही थी। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और अब मैं एक्सप्लेन करूंगी सेकंड मूवी यानी रबर को। मूवी के स्टार्ट में हमें एक अकाउंटेंट दिखाया जाता है और उसके हाथ में काफी सारी दूरबीन थी। इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी आ जाती है, जिसमें से एक पुलिस ऑफिसर बाहर आता है। वो कहता है कि हमारे लाइफ में जितनी भी चीजें होती हैं वो बगैर किसी रीजन के होती हैं, इसीलिए आप बगैर अपना दिमाग लड़ाए मूवी एंजॉय करें। ये बोलकर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हमें तो पता होता है कि उस मूवी को कैसे देखना है, दूरबीन से। इसके बाद हम वहीं पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं। तब अकाउंटेंट उन सबको वो दूरबीन देता है। फिर वो सारे लोग दूरबीन से कहीं पर देखने लग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक जंकयार्ड पर आता है, जहाँ पर हम एक मामूली सा टायर दिखाया जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो टायर मूव करने लगता है, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान आ गई हो। वो मूव करता है और अपने ऊपर से मिट्टी हटाता है और फिर रोल होने लगता है। फिर वो बड़ा एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक से उसके सामने प्लास्टिक की बोतल आ जाती है, जिसे वो क्रश कर देता है और एक बार फिर से वो रोल होने लगता है। लेकिन इस बार इसके सामने ग्लास की एक बोतल आ जाती है। वो देखता है कि अगर मैं इस पर से गुजरा तो पंक्चर हो जाऊंगा, तो इसीलिए वो टायर यहाँ पर अपनी पावर इस्तेमाल करता है। वो काफी तेजी से वाइब्रेट करने लगता है, जिससे वो बोतल टूट जाती है। अब यहाँ से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये कोई आम टायर नहीं है। दूसरी तरफ वो सारे लोग इस टायर को देख रहे थे, जो वाकई किसी सर्कस का लुक दे रहा था। फिर वो टायर एक बार फिर से अपनी पावर इस्तेमाल करता है। अब उसके सामने टिन की एक छोटी सी कैन आ जाती है, जिसे वो बीच में से तोड़ देता है। फिर इसके बाद वो रोल करते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात हो जाती है, इसीलिए वो टायर एक ट्री के नीचे जाता है और वहाँ जाकर वो रेस्ट करने के लिए सो जाता है। नेक्स्ट डे वो टायर फिर से अपने सफर पर निकल जाता है। दूसरी तरफ वो अकाउंटेंट उन लोगों के पास आता है और उनके सारे पैसे कीमती सामान वो चुरा लेता है। ऐसा करने के बाद उन लोगों को उठा भी देता है, क्योंकि वो सब लोग सो रहे थे। लेकिन वो बड़े अजीब लोग थे, उन्हें इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो फिर से अपने काम पर लग जाते हैं, यानी दूरबीन के जरिए उस टायर को देखने लगते हैं फिर से। अब उस टायर को काफी प्यास लगती है, इसीलिए वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर पानी खड़ा हुआ था और वो उसमें अच्छी तरह से भीग जाता है। और तभी उस टायर के सामने एक छोटा सा रैबिट आ जाता है, जो कि शायद उस टायर को अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस रैबिट को एक्सप्लोड करके यानी ब्लास्ट करके मार देता है। उस खरगोश के चीतड़े उड़ जाते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है और एक हाईवे पर आ जाता है। अब उस टायर को भूख लगने लगती है, वो टायर अपना अगला शिकार ढूंढने लगता है। इस बार वो किसी इंसान को अपना शिकार बनाना चाह रहा था। तभी हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपनी गाड़ी से जा रही थी। उस लड़की की गाड़ी का कलर रेड था। उस लड़की को देखकर वो टायर तेजी से वाइब्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से उस लड़की की गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है। इसीलिए वो वहीं पर रुक जाती है और अब टायर उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन इस बार उस टायर का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि पीछे से एक आदमी छोटा सा ट्रक लेकर आ रहा होता है और वो उस टायर को उड़ा देता है। अब वो टायर लड़की की गाड़ी पर कंट्रोल खो देता है, जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब ट्रक से टकराने की वजह से वो टायर काफी दूर गिरा था, वो इंजर्ड भी होता है और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक कौवा दिखाई देता है और अपना गुस्सा वो उस बेचारे कौवे पर निकालता है, यानी उसे भी एक्सप्लोड करके मार देता है। इसके बाद हम उसे ट्रक वाले आदमी को देखते हैं, जिसने टायर को हिट किया था। वो एक पेट्रोल पंप पे रुक के अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो टायर वहाँ पर भी आ गया है और शायद वो उस आदमी से अपनी टक्कर का बदला लेने आया है। वो आदमी भी उस टायर को देख लेता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन टायर को तो गुस्सा था ना, इसीलिए वो उसे देख कर तेजी से वाइब्रेट करने लगता है फिर से, जिसकी वजह से देखते ही देखते उस आदमी का सर भी एक्सप्लोड हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, इसीलिए उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, वो टायर इतना चालाक है कि अपना बदला भी ले सकता है। और वो उसकी तरफ जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो टकराया था, और वो होती है वो रेड गाड़ी वाली लड़की। वो उस लड़की की गाड़ी को एक होटल के बाहर खड़ा हुआ देखकर सोचता है कि वो जरूर यहीं पर ही रुकी होगी। वो उसके रूम के बाहर जाता है और दरवाजा खोलकर उसे देखने लगता है। अब ये सब कुछ वो दूरबीन वाले लोग भी देख पा रहे थे, यानी जहाँ जहाँ ये टायर जाएगा, जो जो भी करेगा, ये लोग उसे देख लेंगे। इसके बाद रात हो जाती है। वो लड़की अपनी मदर को कॉल करके कहती है कि आज रात मैं होटल में ही रुकूंगी, इसीलिए वो टायर भी इसी होटल में ही रुक जाता है और टीवी देखने लगता है। फिर अगली सुबह
सुबह हो जाती है और वो टायर अभी तक टीवी ही देख रहा था, यानी वो टायर सारी रात टीवी ही देखता रहा। फिर हमें वो लोग दिखाए जाते हैं जो काफी दिनों से उसी टायर को देख रहे थे और तब से वो भूखे थे, यानी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। फिर अकाउंटेंट दिखाया जाता है जो कि अपने काम पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। उसके रूम में हम एक ऑस्ट्रिच को भी देख पाते हैं। इसके बाद उस अकाउंटेंट के पास एक कॉल आती है जिसमें वो कहता है कि सर परेशान ना हो, हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे, यानी हम आपका काम कर देंगे। इसके बाद वो अपनी साइकिल पर बैठकर उन लोगों के पास जाता है और उन्हें वो ऑस्ट्रिच खाने को देता है। वो लोग काफी अजीब थे, काफी भूखे भी थे, इसीलिए वो उस ऑस्ट्रिच को किसी जानवर की तरह खाने लगते हैं बड़े ही अजीब तरीके से। लेकिन वही व्हीलचेयर पर बैठा हुआ एक आदमी उस ऑस्ट्रिच को नहीं खाता बल्कि वो दूरबीन से टायर को देख रहा था। फिर हमें उस होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टायर था। तभी उस रूम के बाहर रूम अटेंडेंट आती है और वो दरवाजे पर नॉक करती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता, इसीलिए वो ऐसे ही अंदर चली जाती है। अंदर चेक करने पर उसे बेड पर बहुत सारे टायर के निशान मिलते हैं, साथ साथ उसे किसी के शॉवर लेने की भी आवाज आ रही थी, लेकिन दरवाजा खुला था। तब वो समझती है कि शायद रूम का ऑनर शॉवर ले रहा है, इसीलिए वो बाहर से ही पूछती है कि सर अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाऊं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। लेकिन जब वो लड़की चेक करने के लिए अंदर जाती है तो वहाँ पर वो टायर को देखती है जो कि नहा रहा था। तब वो गुस्से में उस टायर को उठाकर बाहर फेंक देती है क्योंकि उसकी वजह से सारा रूम गंदा भी हो गया था। अब इस बात से उस टायर को अपनी इंसल्ट फील होती है, उसे काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो दोबारा से उठकर उस रूम में जाता है। इसीलिए वो उस रूम अटेंडेंट को एक्सप्लोड करके मार डालता है और एक बार फिर से टीवी देखने लगता है। अब यहाँ उसे उस रूम के अंदर जाता उस होटल के ओनर का बेटा देख लेता है और वो जाकर अपने फादर को इस बारे में इन्फॉर्म करता है कि एक टायर जो कि जिंदा है और चल रहा है। लेकिन उसके फादर उसके इस बात पर यकीन नहीं करते और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर हमें वो दूरबीन वाले लोग दिखाए जाते हैं, उन सबकी तबीयत खराब होने लगती है, उनके पेट में दर्द हो रहा था। उन्हें देखकर वो व्हीलचेयर वाला आदमी कहता है कि तुम्हें जहर दिया गया है, यानी जो ऑस्ट्रिच उन्होंने खाया था उसमें जहर था। और इसके बाद वो सारे लोग वहीं पर ही मर जाते हैं सिवाय उस व्हीलचेयर वाले बूढ़े आदमी के, क्योंकि उसने वो जहर वाला ऑस्ट्रिच नहीं खाया था। होटल के बाहर हम काफी सारे पुलिस को देखते हैं जो कि रूम अटेंडेंट की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और यहीं पर हमें वही पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है। वो अपने साथियों को कहता है कि सिटी में बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं और हमें जल्द से जल्द इस किलर को पकड़ना होगा। लेकिन तभी अचानक से उसकी गाड़ी का अलार्म बजने लगता है जिसे सुनकर वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया, अब इस खेल को यहीं पर ही खत्म कर दो, क्योंकि जो लोग हमें देख रहे थे यानी वो दूरबीन वाले लोग वो सारे मारे जा चुके हैं, ये सब एक ड्रामा था, एक खेल था। तब ये सुनकर उस पुलिस ऑफिसर के साथ ही शॉक्ड हो जाते हैं कि वो लड़की अपनी जान से चली गई और इस पुलिस ऑफिसर को वो खेल का हिस्सा लग रहा है। वो अपने सभी साथियों को कहता है कि तुम मुझे गोली मार के देखो, देखना मुझे कुछ नहीं होगा। तब वो सारे उसे गोली मारते हैं और उसे कुछ नहीं होता। भला क्यों? क्योंकि वो सारी गोलियां नकली थी। लेकिन तभी उसके पास उसका अकाउंटेंट आता है, वो कहता है कि सर जो जहर वाला ऑस्ट्रिच हमने उन्हें दिया था उसे एक व्हीलचेयर वाले आदमी ने नहीं खाया, इसीलिए वो जिंदा है। तभी वो पुलिस ऑफिसर वहां से कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता है और होटल के ओनर के पास आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। लेकिन वो टायर वहाँ पर भी आ जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस होटल के ओनर का सर भी एक्सप्लोड करके उसे मार देता है। अब ये सब कुछ उस पुलिस ऑफिसर की आंखों के सामने हुआ था, इसीलिए वो समझ जाता है कि ये सच है, ये कोई खेल या फिर गेम नहीं है। और वहाँ पर वो उस टायर को भी देख लेता है। फिर भागते हुए वो अपने साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि किलर को योर नहीं बल्कि एक टायर है, वो दिखने में बाकी टायर्स की तरह तो आम है लेकिन उसमें कुछ पावर्स हैं और हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा वरना वो बहुत सारे लोगों को मार देगा। और तभी वहाँ पर होटल के ओनर का बेटा आ जाता है जो उन्हें टायर के डायरेक्शन बताता है कि वहाँ पर गया है वो। तब वो लोग उस बच्चे की बात पर यकीन करके उसी रास्ते पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अकाउंटेंट उसी व्हीलचेयर वाले आदमी के पास जाता है, असल में वो उसके लिए खाने का कुछ सामान लाया था लेकिन वो आदमी वो खाना खाने से मना कर देता है और अकाउंटेंट को बताता है कि देखो वो अभी भी आगे बढ़ रहा है, असल में वो यहाँ पर उस टायर की बात कर रहा था। वो अपनी दूरबीन अकाउंटेंट को देता है और उसे कहता है कि वो टायर को देखे। वो देखता है कि वो टायर होटल से निकलकर हाईवे की तरफ आ गया है, लेकिन तभी उसके पीछे एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। तब वो टायर कार को देखकर रुक जाता है और वो फिर से वाइब्रेट करने लगता है। तब गाड़ी में बैठे एक पुलिस ऑफिसर का सर ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो अकाउंटेंट अपना ही लाया हुआ खाना खा लेता है लेकिन तभी उसके पेट में भी दर्द होने लगती है और वो भी मर जाता है। मतलब यहाँ साफ था कि उस खाने में भी जहर था, लेकिन व्हीलचेयर वाला आदमी तो जानता था कि उसमें जहर है, इसीलिए उसने उस खाने को नहीं खाया होता। फिर वो टायर चलते चलते एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो पुराने और फटे हुए टायर्स को जला रहे थे और ये देखकर उस टायर को बहुत गुस्सा आता है
लेकिन तभी वो टायर वाइब्रेट होने लगता है और डेफिनेटली उनके साथ भी वही हुआ होगा जो बाकी लोगों के साथ हुआ, यानी उनका सर भी एक्सप्लोड हुआ और वो मर गए। इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मर रहे थे, चाहे रोड हो, शॉपिंग मॉल हो, हर जगह लोगों की डेड बॉडीज ही देखने को मिल रही थी जिनके सर नहीं थे, यानी उनके सर एक्सप्लोड होने से उनकी मौत हुई। तब उस टायर को ढूंढने के लिए पुलिस अपनी सारी मेहनत लगा देती है और फिर एक दिन उन्हें वो टायर मिल जाता है जो कि बड़े मजे से टीवी देख रहा था। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर और कार वाली लड़की हमें एक वैन में दिखते हैं। असल में उन्होंने टायर को पकड़ने के लिए उसके लिए एक ट्रैप बिछाया था, यानी उस टायर को उस रूम से बाहर लाने के लिए उन्होंने उस रूम के बाहर एक डमी रखी होती है जिसमें एक स्पीकर और एक बॉम्ब लगा हुआ था। उस स्पीकर में उस गाड़ी वाली लड़की की आवाज थी जो कि वैन में बैठकर बोल रही थी ताकि वो टायर को बाहर ला सके, और फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर आ भी जाता है। लेकिन तभी वहाँ वो व्हीलचेयर वाला आदमी भी आ जाता है जो पुलिस ऑफिसर को काफी जोर से कहता है, यार तुम लोग क्या हो, एक टायर को नहीं पकड़ सकते, इतना आसान काम नहीं हो पा रहा तुमसे। तब उस आदमी की बात वो टायर सुन लेता है, इसीलिए वो दोबारा से उस रूम में चला जाता है। लेकिन अब उस पुलिस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो अपनी गन लेकर उस रूम में चला जाता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो पटा हुआ टायर भी उसके हाथ में था, मतलब उस पुलिस ऑफिसर ने गोली से उस टायर को खत्म कर दिया था। अब उस टायर को वो उस व्हीलचेयर वाले आदमी के पास फेंक देता है और इसके बाद वहाँ से जाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस रूम से एक साइकिल बाहर आती है जिसे देखकर वो व्हीलचेयर वाला आदमी कहता है, अरे देखो देखो वो अभी मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है वो, और वो किसी दूसरी चीज में आ चुका है। लेकिन तभी वो साइकिल वाइब्रेट होने लगती है और व्हीलचेयर वाला आदमी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। इससे हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि टायर की नस्बत साइकिल में ज्यादा पावर है। फिर वो साइकिल वहाँ से निकलकर हाईवे की तरफ बढ़ने लगती है। फिर वो साइकिल यानी वो टायर अपनी पूरी आर्मी बनाने लगता है। सड़क के किनारे जितने भी बेकार टायर उसे नजर आ रहे थे वो उसमें जान डाल रहा था, यानी उन्हें भी अपनी तरह जिंदा कर रहा था, पावर दे रहा था। ऐसे ही करते करते वो टायर्स की एक आर्मी बना लेता है और न्यूयॉर्क सिटी में आ जाता है। अब हमें पता चलेगा कि असल में टायर के पास ही पावर कैसे आई, यानी वो किस तरह से लोगों को मार रहा है। यहाँ पर हमें इस टायर का नाम भी पता चलता है, इसका नाम रॉबर्ट था। असल में कुछ सालों पहले उस पुलिस ऑफिसर और अकाउंटेंट ने एक आदमी को मार दिया था और एक टायर से उसका गला घोंट दिया था और उस आदमी का नाम ही रॉबर्ट था, और यही वजह बनी कि उस टायर में उस आदमी यानी रॉबर्ट की सोल आ गई और इसीलिए उसने अपना बदला लिया और अब वो सिटी में रहने वाले सारे लोगों को मार देगा। और यहीं पर हमारी सेकंड मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।